इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ एमएस वर्ड 2016 में रिव्यू मेनू में लैंग्वेज ऑप्शन के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एमएस वर्ड का जो लैंग्वेज है वो हिंदी में है। इससे पहले आपने देखा होगा कि कोई भी एमएस वर्ड को हम लोग ओपन करते हैं तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में ओपन होता है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एमएस वर्ड जो ओपन हुआ है वो हिंदी लैंग्वेज में हुआ है। तो एमएस वर्ड का लैंग्वेज कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एमएस वर्ड ओपन हो चुका है और इस एमएस वर्ड में हम लोग जानेंगे रिव्यू मेनू के बारे में। जैसे मैं रिव्यू मेनू पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं लैंग्वेज ग्रुप दिया हुआ है। लैंग्वेज ग्रुप में दो ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे एक ट्रांसलेट दिया हुआ है और एक लैंग्वेज दिया हुआ है। इस दोनों कमांड के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्रांसलेट कमांड के बारे में। ट्रांसलेट कमांड का यूज हम लोग कब करेंगे, अगर आप कोई भी पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं उसको अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप ट्रांसलेट कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ। पैराग्राफ टाइप करने के लिए रेंड कमांड का यूज करेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पैराग्राफ इंग्लिश में टाइप हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि इस पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट कर दे तो उस कंडीशन में आप ट्रांसलेट कमांड का यूज करेंगे। उसके लिए आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन करना पड़ेगा। जब तक आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंटरनेट का कनेक्शन नहीं रहेगा तो ये कमांड काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंटरनेट का कनेक्शन दे दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रांसलेट पर क्लिक करना है। ट्रांसलेट पर क्लिक करते तो यहाँ तीन ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसमें लास्ट में आपको क्या करना रहता है, चूज ट्रांसलेट लैंग्वेज, यानी कि आपको किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है वो लैंग्वेज आपको चूज करना होता है। तो इस पर आप क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो फर्स्ट में यहाँ दिया हुआ ट्रांसलेट फ्रॉम और उसके बाद दिया हुआ ट्रांसलेट टू, यानी कि जिस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है वो लैंग्वेज आप ट्रांसलेट टू में सेलेक्ट करेंगे। ऐसे तो आपका बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज में ही टाइप होता है तो यहाँ बाय डिफॉल्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, और ट्रांसलेट टू में आप हिंदी में अगर ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप दूसरा कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा लैंग्वेज दिया हुआ, इसमें से कोई भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना। तो हिंदी लैंग्वेज मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपको फिर से ट्रांसलेट पे जाना है और यहाँ फर्स्ट जो दिया हुआ है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक वेब पेज खुलेगा, वहाँ पे आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाएगा। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ट्रांसलेटर ओपन हो गया है और यहाँ जो इंग्लिश में आप जो पैराग्राफ टाइप किए थे वो अब हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो पैराग्राफ आप इंग्लिश में टाइप किए थे वो हिंदी में अब ट्रांसलेट हो गया है। अगर आप चाहते हैं इस हिंदी पैराग्राफ को अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में ले जाना तो आप इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मैं कॉपी कर लिया हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ तो जो भी पैराग्राफ इंग्लिश में टाइप किया गया था वो अब हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है। तो इस तरह से आप ट्रांसलेट कमांड का यूज कर सकते हैं। अब इसमें सेकेंड जो ऑप्शन दिया हुआ ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि इसमें से जैसे ये मैं फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ और चाहता हूँ कि सिर्फ इसी पैराग्राफ को ट्रांसलेट करूँ हिंदी में तो आप इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन जो दिया हुआ है ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो राइट साइड में आप यहाँ देखेंगे हिंदी में वो ट्रांसलेट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ नीचे देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इस हिंदी में जो ट्रांसलेट किया गया पैराग्राफ इसको आप इस एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे तो वो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ट्रांसलेट कमांड का यूज कर सकते हैं।
अब सेकेंड जो ऑप्शन आता है लैंग्वेज, ये लैंग्वेज जो ऑप्शन है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा समझिएगा। लैंग्वेज जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी दो ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जैसे एक दिया हुआ सेट प्रूफिंग लैंग्वेज और सेकेंड जो दिया हुआ है लैंग्वेज प्रिफ्रेंस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेट प्रूफिंग लैंग्वेज के बारे में। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज आपको दिखाई देगा। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश ही सिलेक्ट रहता है, तो अगर कोई वर्ड हम टाइप करते हैं और वो वर्ड गलत रहता है तो वो क्या करता है, अंडरलाइन कर देता है। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड मैं टाइप करके दिखाता हूँ, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे मैं एक वर्ड टाइप किया और वो गलत वर्ड था तो वो क्या किया, अंडरलाइन कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी वर्ड टाइप करूँ वो अंडरलाइन नहीं करे, तो आप यहाँ से सेट प्रूफिंग में जाएंगे और यहाँ से लैंग्वेज को चेंज कर देंगे। जैसे मैं यहाँ हिंदी कर देता हूँ और यहाँ जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ चेक कर देता हूँ और ओके कर दूंगा, तो यहाँ पे अब कोई भी वर्ड मैं टाइप करूँगा तो वो अंडरलाइन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपका वो लैंग्वेज चेंज हो चुका है। और एमएस वर्ड में क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज ही सिलेक्ट रहता है और स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑन रहता है, जिसके वजह से कोई भी स्पेलिंग आप लिखते हैं तो वो अगर गलत रहता है तो उसको अंडरलाइन कर देता है। लेकिन अगर आप लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं तो कोई भी वर्ड टाइप करेंगे तो वो अंडरलाइन नहीं करेगा। उसके बाद दिया हुआ सेकेंड जो ऑप्शन दिया हुआ है लैंग्वेज प्रेफरेंस, इसके द्वारा आप अपने एमएस वर्ड का लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एमएस वर्ड जो है इसका लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में है, जैसे कि आप अपने मोबाइल का लैंग्वेज हिंदी में कर देते हैं या किसी दूसरे लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं, वैसे ही आप अपने एमएस वर्ड का भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं इस लैंग्वेज कमांड के द्वारा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लैंग्वेज पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ लैंग्वेज प्रेफरेंस जो दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ऑफिस डिस्प्ले लैंग्वेज, यानी कि इस ऑफिस का डिस्प्ले जो दिख रहा है इसका लैंग्वेज चेंज करना है, तो आप इस कमांड का यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऑफिस डिस्प्ले लैंग्वेज में सेकेंड जो ऑप्शन दिया हुआ हिंदी, यहाँ आपको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सेट एज प्रेफर्ड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ओके कर देना है। उससे पहले अगर आपके कंप्यूटर में, आप नीचे यहाँ ध्यान देंगे, इसमें आपके कंप्यूटर में अगर हिंदी के सामने प्रूफिंग इंस्टॉल्ड ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आप अपने ऑफिस का लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते। आपके ऑफिस में यहाँ अवेलेबल शो करेगा, तो आप इस पे अवेलेबल पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद ही आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिएगा तो यहाँ प्रूफिंग इंस्टॉल्ड ऑप्शन शो करेगा, तब आप जाके यहाँ से अपने ऑफिस का या एमएस वर्ड का लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया हूँ और मेरे सिस्टम में पहले से वो इंस्टॉल्ड है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद कहेगा कि आप अपने ऑफिस को फिर से बंद करके चालू कीजिए, यानी कि रीस्टार्ट ऑफिस। ओके करेंगे और ऑफिस को मैं बंद कर देता हूँ और फिर से इसको ओपन करूँगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एमएस वर्ड का जो भी डिस्प्ले था वो आपका हिंदी लैंग्वेज में चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप भी अपने एमएस वर्ड का लैंग्वेज जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। फिर से पहले जैसा करना है इंग्लिश में चेंज करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, समीक्षा में जाएंगे और यहाँ भाषा दिया हुआ है, भाषा पर क्लिक करेंगे और सेकेंड जो दिया हुआ है भाषा प्राथमिकता है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और पसंदीदा के रूप में सेट करेंगे और ठीक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। फिर से इसको क्लोज करेंगे, उसके बाद फिर से एमएस वर्ड को ओपन करेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज फिर से इंग्लिश में हो गया है।